हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अनुभव शर्मा की कुछ मीठी मीठी सी लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। वो शीशगंज गुरुद्वारा देखे, वो दरीबे से आती घी की खुशबू, वो गलियां बल्ली मारान की, वो चौक वो फुवारा देखे, अरसा बीत गया चांदनी चौक का नज़ारा देखे, वो कुल्हड़ का मीठा दूध, वो जलेबी वो रबड़ी मलाई, वो गुलकंद भरा मीठा पान, वो भगीरथ पैलेस की जगमग, वो दुकानों में बिकता बिजली का सामान। जब भी होते हैं वहाँ तो कुछ खाने का मन करता है, काम हो या ना हो जाने का मन करता है। वो गली पराठे वाली, वो गालिब का मोहल्ला, वो चावड़ी बाजार हमारा देखे, अरसा बीत गया चांदनी चौक का नज़ारा देखे। तो गाइज, आज मैं निकला हूँ आपको नए नवेले चांदनी चौक का नज़ारा दिखाने के लिए। जी हाँ, दिल्ली की सबसे पुरानी बाजार चांदनी चौक की अपनी एक जबरदस्त हिस्ट्री है, अपना एक रुतबा है, अपनी एक चमक है, इसलिए ये एक हिस्टोरिकल प्लेस तो है ही, साथ ही देश विदेश से आने वाले टूरिस्टों की लिस्ट में ये टॉप डेस्टिनेशन में से एक होती है। 17वीं सदी में बनी ये मार्केट आज के दौर में एक बेहद बिजी मार्केट है। तो आज मैं लेकर चलूंगा आपको लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद के बीच लगभग 1300 मीटर लंबी सड़क पर और दिखाऊंगा कि चांदनी चौक अब और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस, दिल्ली का लाल किला। अरे वहीं तो पहले मिला था, वहीं होंगे तुम कहाँ हो? और इसी के जस्ट सामने है चांदनी चौक। ये देखिए, ये सारा चांदनी चौक, ये सीधी रोड गई है फतेहपुरी मस्जिद तक। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि ये है यहाँ का फेमस दिगंबर जैन लाल मंदिर। ये यहाँ का बहुत हिस्टोरिकल मंदिर है, काफ़ी फेमस है। ये देखिए गाइस, पूरा रेड कलर से है। ये देखिए, ये इस चांदनी चौक में हमेशा ही आप रश पाएंगे। अच्छी बात यह है कि 2021 से पहले यहाँ पे बड़ा चलना मुश्किल था, लेकिन अब क्या है कि जब से ये 2021 के बाद रिनोवेट हो गया है सारा चांदनी चौक, तो यहाँ पे बहुत ही चलना आसान हो गया है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे व्हीकल्स तो अलाउड नहीं है, लेकिन रिक्शे आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ से लेके फतेहपुरी मस्जिद तक जाने के लिए। ये यहाँ का फेमस गौरी शंकर मंदिर है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ की एक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आपको यहाँ मिलेगा। ये अंदर अंदर बहुत सी दुकानें हैं, छोटी बड़ी काफ़ी दुकानें हैं। किसी दिन मैं आपको पूरी मार्केट का वीडियो बना के दिखाऊंगा, अभी चलते हैं आगे। तो गाइस, चलते हैं और आगे। चांदनी चौक बनने के पीछे की एक वजह ये बताई जाती है कि शाहजहाँ को अपनी बेटी जहाँ आरा काफ़ी प्यारी थी, और जहाँ आरा को शॉपिंग करने का बड़ा शौक था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा बाज़ार डेवलप किया जाए जिसमें दुनिया भर से लोग आएँ और सामान खरीदें। और ख़ास तौर से उनकी बेटी ने ही इसका डिज़ाइन तैयार किया था, इस चांदनी चौक का। उस वक्त सेंटर में यहाँ पे एक नहर होती थी और आगे एक तालाब हुआ करता था जिसमें कि चांद की रोशनी पड़ा करती थी, और वहाँ पे एक चौक था, इस वजह से उसको चांदनी चौक, चांदनी मतलब उस तालाब में जब चांद की रोशनी पड़ती थी। देखिए, ये रोड गई है आगे, ये रोड गई है जामा मस्जिद की तरफ। इस रोड पे आगे आपको मतलब साइकिल की थोक मार्केट है। यहाँ पे अंदर जाएंगे तो आगे साइकिल्स की दुकानें बहुत मिलेंगी आपको, थोक वाली। यहाँ से आप पीछे देखेंगे तो लाल किला साफ नज़र आता है, सीधा एकदम। जो बादशाह थे, उनकी बेटी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया करती थी, सीधे लाल किले से निकलकर इस मार्केट में आ जाया करती थी। ये भगीरथ पैलेस है, इसको बिजली मार्केट कहते हैं। आइए चल के मैं अंदर थोड़ा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सजावट का सामान, हर तरह का बिजली का सामान। ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी सी ये शॉप है। ये देखिए,
क्या बात है, इसका सामान आपको मिल जाता है यहाँ भगे पैलेस में। ये देखिए गाइस, मोबाइल में आपको अच्छा शायद ना दिख पा रहा हो, लेकिन अगर रियल में देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। देखिए ये देखिए, अच्छे अच्छे झूमर सजावट का, घर का डेकोरेशन के जितने भी चीज़ें होती हैं लाइट से जुड़ी हुई सारी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये देखिए कितने बड़े बड़े मिल रहे हैं। तो गाइस मैं बाहर आ गया हूँ और चलते हैं सीधी रोड पे फतेहपुरी की तरफ। इस रोड की अच्छी बात यह है कि इस रोड पे आपको हर रिलीजन के प्लेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि दिगंबर लाल जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, और ये देखिए यहाँ पे आ गया है सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च, चर्च भी है। और अभी आपको मैं गुरुद्वारा भी दिखाऊंगा, आगे फतेहपुरी मस्जिद भी दिखाऊंगा। तो आगे चलते हैं। ये दरीबा कला है गाइस, ये कटरा अंदर जाके आपको सारा ज्वेलरी मिलेगी। ये देखिए, ये यहाँ की मेन एंट्री है गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दिल्ली। चलिए चलते हैं आगे सीधे रोड पे। यहाँ से राइट आप जाएंगे, आप बाहर निकलेंगे, सामने आपको ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ जाएगा। कटरा शहनशाही के अंदर मैं जा रहा हूँ। तो अब मैं बाहर आ गया हूँ। ढल रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो गाइज़ ये सामने है गली पराठे वाली, जो कि बहुत ही फेमस है चांदनी चौक में, आपने कई फिल्मों में इसका नाम ही सुना होगा। तो ये पंडित गया प्रसाद शिवचरण की शॉप है, यहाँ पे बहुत से लोग फेमस लोग यहाँ पे पर्सनैलिटी यहाँ पे आकर पराठे वगैरह खाते रहते हैं। यहाँ पे हर टाइम आपको भीड़ मिलेगी। इस गली को इन्हीं दुकानों की वजह से गली पराठे वाली शायद बोला जाता है। तो गाइज़ अब मैं आ गया हूँ बाहर। तो अब गाइज़ मैं मेन रोड पे आगे बढ़ रहा हूँ और अब मैं थोड़ा सा राइट साइड में चल रहा हूँ। ये देखिए कटरा लेहसवान आ गया है, लेडीज़ सूट व कपड़े का थोक मार्केट। रिक्शे बड़ी तेज़ी से आते हैं, अब यहाँ बड़ा जो है सावधानी से चलना पड़ेगा आपको। ये मेरे सामने एक मोती बाज़ार है, यहाँ पे शॉल साड़ी लहंगे व ज्वेलरी का ये होलसेल मार्केट है, काफ़ी अच्छे अच्छे ये ऊपर ये देखिए एक से बढ़कर एक महंगे और अच्छे लहंगे। तो गाइज़ ये कटरा नवाब आ गया है। ये देखिए गाइज़ बच्चों की शेरवानी पगड़ी ज़बरदस्त, ये देखिए। अब चलता हूँ इस रोड पे आगे। ये देखिए ये नया कटरा है, इसमें भी सारा कुछ वही सामान है, लहंगे ज्वेलरी होलसेल रेट पर ड्रेसेस वगैरह सारे कपड़े वगैरह सब यहाँ पे हैं। मतलब ये मेरे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बहुत से छोटे छोटे कटरे हैं, पतली पतली गलियाँ, लेकिन अंदर जाकर आप जब जाएँगे तो आपको उसके अंदर भी बहुत सी गलियाँ मिलेंगी और उनके अंदर बहुत सी दुकानें मिलेंगी। तो यहाँ पर आप टहल नहीं पाएंगे दिन में, इतना बड़ा ये चांदनी चौक है। ये यहाँ का घंटा घर है।
शाम हो चुकी है और चांदनी चौक में शाम का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है। ये देखिए, जब से इसका रिनोवेशन हुआ है चांदनी चौक का, तब से गज़ब की लाइटिंग यहाँ पे कर दी गई है। ये देखिए गाइस, ये मैं सेंटर में खड़ा हुआ हूँ और ये दोनों साइड में ये जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, ये बड़ा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए मेरे पीछे, मैं इधर से आया हूँ लाल किले की तरफ से, इधर ये टाउन हॉल है और इधर ये रोड गई है, नई सड़क इसको बोलते हैं। ये आगे जाकर चावड़ी बाज़ार में मिल गई है। इस नई सड़क पे जाएंगे आप, आपको बहुत सी कपड़ों की दुकानें मिलेंगी और सारे रेडीमेड कपड़े और फैब्रिक्स और हर तरह के होलसेल की कपड़े की बहुत सी शॉप मिलेंगी। और आगे जाके चावड़ी बाज़ार पे मिलेगी ये सड़क, नई सड़क, और वहाँ पे आपको सारी स्टेशनरी की शॉप मिलेंगी बहुत ज़्यादा। चांदनी चौक का नाम, जो नाम है वो अपने आप से पूरी तरह से जस्टिफाई हो रहा है अपने नाम के साथ में। ये मस्जिद है, इसका कुछ नाम है, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मस्जिद है साहिब बाग वाली, ये इसकी मीनारें हैं। ये एक मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, मस्जिद शाही बाग वाली। तो गाइस, इधर आ गया हूँ फिर से मेन रोड पे और आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि इस टाइम यहाँ पे ये होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो कि रिटेलर होते हैं यहाँ पे, होलसेल में परचेज़ करने आते हैं अपने अपना सामान, कुछ भी कपड़े वगैरह, तो वो इस टाइम उनकी पैकिंग होने लग जाती है, तो इसलिए ये इस तरह के रिक्शे यहाँ पे निकलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि अभी मार्केट खुली हुई है, तो लग रहा है कि अब ये धीरे धीरे बस क्लोजिंग टाइम हो रहा है यहाँ का। ये देखिए, एक है यहाँ पे कूचा उस्ताद दाग व्यापार मंडल होलसेल क्लोथ मार्केट। ये देखिए, ये भी एक अंदर रोड गई है, गली गई है पतली सी, लेकिन अंदर बहुत सी दुकानें इसके अंदर हैं। ये देखिए कटरा सुभाष, ये देखिए ये कटरा सुभाष है, इसके अंदर भी बहुत सी दुकानें हैं। अब गाइस मैं आ चुका हूँ, ये गली गई हुई है, ये बल्ली मारान जा रही है। ये देखिए, इसको बल्ली मारान गली बोलते हैं। ये देखिए, ये मेन रोड से, ये मेन रोड यहाँ पे दी हुई है और ये रोड अंदर आ रही है, ये सब बल्ली मारान की तरफ लोग जा रहे हैं। ये देखिए, इधर फुटवेयर आपको ज़बरदस्त मिलेंगी, बहुत सी मार्केट है। तो गाइज़, अब मैं आ चुका हूँ फतेहपुरी मस्जिद के एकदम पास, सीधा रास्ता मैं तय करते हुए आखिरकार यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये सामने दिख रही है, ये फतेहपुरी मस्जिद का बाहरी हिस्सा है जिसमें मार्केट बनी हुई है, और ये अंदर फतेहपुरी मस्जिद यहाँ से एंटर करते हैं। ये देखिए, तो गाइज़ यहाँ से ये लेफ़्ट रोड जो जा रही है, आप इधर से जाना चाहेंगे तो आप सदर बाज़ार जा सकते हैं, यहाँ से लाल कुआं जा सकते हैं, पहाड़गंज जा सकते हैं, चावड़ी बाज़ार जा सकते हैं। इधर से भी एक रोड गई है, इधर से भी आप पहाड़गंज वो सदर जा सकते हैं। तो गाइज़, ये फतेहपुरी मस्जिद के बराबर में ये है कटरा बरियान, और इस कटरे में क्या है कि आपको बहुत सी ऑप्टिकल्स की शॉप्स मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ से अगर देखना चाहेंगे तो आप यहीं से भी ऑप्टिकल्स की, वीनस ऑप्टिक्स, इस तरह की बहुत सी सैकड़ों दुकानें हैं इस रोड पर। तो गाइज़, चलते हैं अब यहाँ से वापस, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो गाइज़, अब हम फतेहपुरी मस्जिद से वापस हो चुके हैं। तो गाइज़, उम्मीद करते हैं आपको नया वाला चांदनी चौक बहुत पसंद आया होगा और आपका मन भी चांदनी चौक में घूमने के लिए हिचकोले मारने लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें।